दोस्तों दिवाली में पटाखों की आतिशबाजी तो आपने जरूर देखी होगी, जो सच में एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। और आप में से बहुत से लोगों ने तो इन पटाखों को दिवाली में यूज भी किया होगा। आज हम आपको इन्हीं पटाखों यानी फायर क्रैकर्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताएंगे। हमने इस वीडियो को आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ाने वाली है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। स्पार्कलर्स मेकिंग। स्पार्कलर्स यानी फुलझड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती है, जिसमें हमें अलग अलग रंग और अलग अलग साइज देखने को मिलती है, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करता है। फुलझड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तारों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें एक एक करके ब्रैकेट में लगाया जाता है। फिर उस ब्रैकेट को स्पार्कलर्स के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है और उन्हें सूखने के लिए रखा जाता है। स्पार्कलर सॉल्यूशन को पोटेशियम क्लोरेट, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, शुगर और स्टार्च एज अ बाइंडर, इन लोगों से बनाया जाता है। फिर ये स्पार्कलर्स सूखने के बाद उन पर मैग्नीशियम पाउडर को डालते हैं, जिससे स्पार्कलर्स जब भी जलाई जाती है तब उसमें से सिल्वर स्पार्क्स निकलते हैं और आखिर में एक कर्मचारी की मदद से उन्हें बॉक्स में पैक किया जाता है। पटाखे मेकिंग। इन पटाखों को बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की लंबी सी ट्यूब को छोटे छोटे आकार में काटते हैं। उसके बाद उन्हें एक राउंड फ्रेम में डाला जाता है, जिन्हें अच्छी तरह से अलाइन किया जाता है। बनाए गए राउंड की ऊपर की तरफ से टिश्यू पेपर लगाया जाता है और नीचे की तरफ से मिट्टी को लगाया जाता है, ताकि बारूद ट्यूब से बाहर ना निकल पाए, और उन्हें धूप में सूखने के लिए रखते हैं। सूखने के बाद टिश्यू पेपर वाली साइड से उनमें होल किए जाते हैं और उनमें गन पाउडर और फ्यूज को डाला जाता है और धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। मिट्टी सूखने के बाद उसे तोड़ा जाता है और पटाखों को अलग किया जाता है। उसके बाद सभी क्रैकर्स को हाथ से बांधकर उनकी लड़ी बनाने का काम किया जाता है और उन्हें प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है। अभी आपने जो प्रोसेस देखी है वो पूरी तरह से हैंडमेड थी, लेकिन इन्हीं क्रैकर्स को चाइना जैसे देशों में मशीन से भी बनाया जाता है। मशीन पेपर स्ट्रिप से रोल्स बनाने का काम करती है। और एक कर्मचारी उन्हें धागे से बांधने का काम करती है। उसके बाद उन पर लगे एक्स्ट्रा पेपर को एक मशीन की मदद से काटा जाता है। उसके बाद एक मशीन उन रोल्स के अंदर क्रैकर्स मटेरियल को डालने का काम करती है। उसके बाद उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक मशीन में भेजते हैं, जहां उन पर लगाए गए फ्यूज को अच्छी तरह से फिक्स किया जाता है और उन्हें फिर पैक किया जाता है और ऐसे ये मार्केट में आते हैं। स्काई शॉट्स मेकिंग। दोस्तों स्काई शॉट्स उड़ाना सबसे मजेदार है और कुछ स्काई शॉट्स ऐसे भी होते हैं जो आसमान को कलर और डिजाइन से भर देते हैं, जिन्हें देखने का एक अलग ही मजा होता है। स्काई शॉट्स को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड ट्यूब्स और कार्डबोर्ड प्लग्स को बनाया जाता है। उसके बाद उनमें क्ले पाउडर डालकर मशीन की मदद से अच्छी तरह से दबाया जाता है। फिर उसमें गन पाउडर को डाला जाता है। उसके बाद ट्यूब्स में फ्यूज को अटैच कर दिया जाता है और ऊपर से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि गन पाउडर ट्यूब से बाहर ना निकले। इसके बाद उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। इस तरह से स्काई शॉट्स को बनाया जाता है। दोस्तों कुछ स्काई शॉट्स मल्टी कलर भी होते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में उनका मैकेनिज्म देख सकते हैं। ये मैकेनिज्म आसमान में जाने के बाद अपना काम करता है, जिसमें सबसे पहले सेंटर वाले शॉट्स को ट्रिगर किया जाता है, जिसके बाद उसके साइड वाले शॉट्स इग्नाइट हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाकर थोड़ी देर बाद फटते हैं। इस तरह से हमें आसमान में मल्टी कलर स्काई शॉट्स का नज़ारा देखने मिलता है।
अनार मेकिंग। अनार बनाने के लिए सबसे पहले अनार के बाहर का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें स्पेशल कार्डबोर्ड को कोनिकल शेप में रोल किया जाता है। उसके बाद उसमें गन पाउडर, मैग्नीशियम, पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर भरते हैं और नीचे से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर देते हैं और उस पर मिट्टी की कोटिंग की जाती है। उसके बाद उसे सूखने के लिए रख देते हैं। अनार सूख जाने के बाद उनमें फ्यूज को इंस्टॉल किया जाता है और आगे भेजा जाता है, जहां अनार पर पेपर को रैप किया जाता है और स्टिकर्स को लगाया जाता है। स्टिकर्स लगाने के बाद उन्हें बॉक्स में भरा जाता है और मार्केट में लाया जाता है। दोस्तों, चक्रे भी कुछ इसी प्रकार बनाई जाती है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले लंबी पेपर ट्यूब्स बनाई जाती है, जिनमें गन पाउडर को भरा जाता है, जिसके बाद उन्हें एक रॉड की मदद से रोल किया जाता है और एक सांचे में रखा जाता है ताकि उनका शेप चेंज न हो। उसके बाद रोल की गई ट्यूब के ऊपर और नीचे की तरफ कवर लगाया जाता है और उन्हें पैक किया जाता है और फिर यह मार्केट में आ जाती है। सुतली बॉम्ब मेकिंग। दोस्तों, सुतली बॉम्ब बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटे बॉक्स में बारूद को भरा जाता है। उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर रस्सी को लपेटा जाता है। जिसके बाद सुतली बॉम्ब में फ्यूज लगाकर उसे कलर किया जाता है। कलर करने के बाद उन्हें सूखने के लिए धूप में रखा जाता है और फिर उन्हें पैक करके बाजार में भेजा जाता है। तो इस तरह से बनाए जाते हैं हमारे धमाकेदार सुतली बॉम्ब। अम्ब्रेला मेकिंग। बारिश में सबसे काम आने वाली चीज मतलब अम्ब्रेला। मार्केट में बारिश के लिए रेनकोट्स भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अम्ब्रेलास को ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह बारिश में बहुत ही कंफर्टेबल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है? इन्हें बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाथों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ एक वर्कर पहले अम्ब्रेला के हैंडल को बनाने का काम करता है, वहीं उसकी पॉलिशिंग भी की जाती है। उसके बाद वर्कर एल्यूमिनियम के तारों को टॉप से ट्रायंगुलर शेप दे देता है। बाद में उसे हैमर से दबा कर पतला करता है, जिसे बाद में अम्ब्रेला में फिट किया जा सके। उसके बाद अम्ब्रेला के हैंडल पर एक मशीन की मदद से ऊपर की तरफ और बॉटम में होल्स किए जाते हैं, वही उस पर कट्स भी लगाए जाते हैं, जिसमें बाद में बनाई गई तारों को लगाया जा सके, जिसकी मदद से अम्ब्रेला को खुलने और बंद होने में मदद मिलती है। तारें लग जाने के बाद उसमें नॉच लगाया जाता है, जिससे अम्ब्रेला खुलती है और बंद होती है। यह सब होने के बाद उसे चेक करते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो उस पर फैब्रिक लगाया जाता है। दूसरी ओर कर्मचारी नायलॉन फैब्रिक पर चौक से मार्किंग करता है, जिस पर अम्ब्रेला के पार्ट्स को काटा जाता है। काटे गए सभी पार्ट्स को एक साथ स्टिच करते हैं, जिन्हें बाद में एक वर्कर की मदद से अम्ब्रेला की तारों पर स्टिच किया जाता है। और इस तरह अम्ब्रेला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। कुकर मेकिंग। दोस्तों, अक्सर खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे समय और गैस की बचत होती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक एल्यूमिनियम डिस्क को पंच मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहां डिस्क को पंच करके उसे कुकर का आकार दिया जाता है। उसी तरह दूसरी एल्यूमिनियम डिस्क को अलग मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहां उसे मोल्ड करके कुकर के ढक्कन का आकार दे दिया जाता है। फिर कुकर बॉडी को पॉलिशिंग के लिए भेजते हैं, जहां उन्हें सबसे पहले रफ फिनिशिंग देते हैं, बाद में पॉलिशिंग करते हैं। फिर उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से गर्म पानी के शॉवर से गुजारा जाता है, जहां उन्हें धोते हैं। उसके बाद उन्हें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में करीब एक घंटे के लिए डीप किया जाता है, जिससे कुकर सरफेस ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक कलर में बदल जाती है। उसके बाद उन पर मेटालिक सेफ्टी प्लग और ब्लू ग्रोमेट फिक्स किया जाता है, जो कि रबर का बना होता है। उसके बाद उस पर गास्केट लगाते हैं और उन पर कुछ कर्मचारियों की मदद से हैंडल फिक्स किया जाता है। बाद में उनकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद उन्हें प्लास्टिक में रैप करके बॉक्स में पैक किया जाता है और इस तरह कुकर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं।
गोल्ड बार मेकिंग। गोल्डन बार्स के बारे में तो सभी जानते होंगे और बहुत से लोगों ने इन्हें देखा भी होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सोने के बार्स बनाते कैसे है? तो इनकी शुरुआत होती है मोती जैसे दिखने वाले गोल्ड ग्रेन्यूल्स से, जिन्हें एक मेल्टिंग मशीन में डालकर पिघलाया जाता है। मशीन में एक बार में 10 किलो तक गोल्ड मेल्ट किया जा सकता है। उसके बाद मशीन पिघले हुए गोल्ड को अलग अलग मोल्ड्स में डालकर उन्हें आकार देती है। फिर उन बार्स को पॉलिशिंग मशीन के जरिए अच्छे से पॉलिश किया जाता है और इस तरह से इन गोल्ड बार्स को बनाया जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी चीज़ बनाने की प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।